आपने अमेरिका की FBI और इजराइल की मोसाद के बारे में तो जरूर सुना होगा या इसके बारे में जानते भी होंगे आप। ये सभी खुफिया एजेंसियां हैं। खुफिया एजेंसियां किसी भी देश की सुरक्षा में अपना एक अलग ही महत्व रखती है और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इस वीडियो में आप जानने वाले हो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। मूवी तो बहुत देखते होंगे आप, देखते हैं ना, क्या आपने रॉ पे आधारित कोई भी मूवी देखी है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर नाम बताइएगा। तो आइए अब एक एक करके जान लेते हैं रॉ के बारे में। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का स्थापना कब हुआ। तो आपको बता दूं 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तय किया गया, जब इंदिरा गांधी सरकार ने भारत की सुरक्षा की जरूरत को महसूस किया। रॉ का कानूनी दर्जा आज भी अस्पष्ट है, पता नहीं क्यों रॉ एक एजेंसी नहीं बल्कि एक विंग है। दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि भारतीय रॉ में यानी कि रॉ में शामिल होने के लिए आपके माता या फिर पिता का भारतीय होना बहुत ही जरूरी है, वरना आप इसमें शामिल नहीं हो पाओगे। क्या आप जानते हो रॉ का सिद्धांत क्या है? तो आपको बता दूं, रॉ का सिद्धांत है धर्म रक्षति रक्षित, यानी कि जिसका अर्थ है जो शख्स धर्म की रक्षा करता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। क्या आप जानते हो रॉ सीधी अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेजता है, इसके डायरेक्टर का चुनाव रिसर्च द्वारा किया जाता है। रॉ के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात जान लो, ऐसे प्रत्याशी जिनका चुनाव रक्षा बलों से हुआ हो उन्हें इसमें शामिल होने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना जरूरी होता है। मिशन पूरा होने के बाद अधिकारी को अनुमति होती है कि वे अपने मूल विभाग में वापस शामिल हो सकते हैं। रॉ में शामिल होना कोई धनवान होना नहीं है, वो शख्स यानी वो इंसान इससे दूर ही रहे जो रिश्वत लेता हो या फिर जो पैसे का लालची हो। रॉ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात आपको ये जरूर जान लेना चाहिए, सिक्किम जो कि भारत का राज्य है उसे भारत में शामिल करने का श्रेय बहुत हद तक रॉ को जाता है। रॉ ने वहाँ के नागरिकों को भारत समर्थक यानी कि प्रो इंडियन बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी उस समय। दोस्तों अगर आपका सपना रॉ में शामिल होकर देश की रक्षा करना है तो आपको ये राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं, कमेंट सेक्शन में भी नहीं, वरना कुछ लोग बहुत ही होशो हवास में कमेंट में लिख कर चले जाते हैं मैं रॉ में शामिल हूँगा, मैं देश की रक्षा करूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए आप, क्योंकि यह किसी टेबल या कुर्सी पर बैठकर काम करने वाली नौकरी नहीं होती है। अगर आप किसी मिशन पर हो तो ये जान लो कि आपके परिवार को भी पता नहीं होगा कि आप कहाँ हो। आपको यह साबित करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा कि आप 24 घंटे हफ्तों के 7 दिन या किसी भी परिस्थिति में काम कर सकते हैं और खुद को उन परिस्थितियों में ढाल सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हो अगर आप किसी खेल में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो यहाँ आपके प्रवेश करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, यानी कि किसी विशेष खेल में आपकी योग्यता बहुत ही अच्छी है तो आप रॉ में शामिल होने के लायक हो सकते हैं। एक और बात है जो कि रॉ में शामिल लोगों को ये पता होता है, अपने विभाग से कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है कि होशियारी से आप उन्हें मात दे सकते हो तो आपका यह विचार बहुत ही गलत है। रॉ में शामिल होने के लिए आपका अलग अलग भाषाओं में कंट्रोल होना बहुत ही आपको मजबूत बनाता है, मतलब अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। जैसे कि चीनी, अफगानी या किसी भी दूसरी भाषा का ज्ञान आपको दूसरों से ज़्यादा बेहतर बनाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप रॉ को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको भारत की खुफिया एजेंसी अपने आप ही आप तक पहुंच जाएंगी, उन्हें खोजने की कोशिश मत करिए। ये बात शायद आपको इमोशनल कर देगा, एक जासूस के राज उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके दोस्त परिवार किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि उसका साथी एक रॉ एजेंट है। एक रॉ जासूस की जिंदगी फिल्मों में दर्शाए गए जासूस की तरह जिंदगी से कहीं भी मेल नहीं खाती, लेकिन जासूसी में अव्वल होते हैं। क्या आप जानते हो भारत के परमाणु कार्यक्रम को सिक्योरिटी रखना यानी कि गोपनीय रखना रॉ की जिम्मेदारी होती है। रॉ में ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर को बंदूक नहीं मिलती बल्कि बचाव के लिए ये अपनी तेज बुद्धि का यूज करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है रॉ का गठन अमेरिका के CIA की तर्ज पर किया गया है, इसके ऑफिसर को अमेरिका, UK और इजराइल में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप रॉ ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये फैक्ट जरूर जान लेना चाहिए। रॉ में शामिल होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है UPSC पास करो और IPS या फिर IAS बन जाओ।
तब शायद जाकर आपको रॉम में शामिल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। वैसे तो ये कोई परमानेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन एक रॉ एजेंट की सैलरी 80,000 से लेके 1,30,000 रुपए महीने तक हो सकती है। दोस्तों, अब जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। यदि रॉ का एजेंट दूसरे देश में जासूसी करते हुए पकड़ा जाए तो अपने देश की सरकार ही उनसे पल्ला झाड़ लेती है, यानी कि वो कहती है नहीं नहीं, ये हमारा आदमी नहीं है, और तो और उनकी किसी भी तरह कोई हेल्प नहीं करती। और अंत में जब उनकी दुश्मन देश में मौत हो जाती है तो उनको अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती है। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के रविंद्र कौशिक जी के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगला वीडियो आप इस टॉपिक पर चाहते हो वो भी बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।